So when I discuss your doubts, these are some good doubts of indefinite integration. So let's see how to deal with them. First thing, ये कौन सा form दिख रहा है आपको? अभी तक इतनी बात तो पता लग चुकी है कि integration को सिर्फ तीन तरीके से हम लोग करते हैं, right? One is by substitution, the other is by parts, and the other is partial fraction. ठीक है? और जहाँ कहीं पे भी rational polynomial function होता है, वहाँ हम लोग हमेशा क्या use करते हैं? वहाँ हम लोग हमेशा ही पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन में हम ये पहले देखते हैं कि ये मेरे पास एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं. तो ये दिख रहा है कि भाई ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 4 है, तो सर्टेनली ये प्रॉपर है. प्रॉपर है तो अभी हमें डायरेक्टली इसको देखना है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. इस तरह के सिचुएशन में आपको बार बार कहता हूँ, जो इसका अलजेब्रा वाला पार्ट है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को वाई लेने जा रहा हूँ, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको इस तरीके से लिखने जा रहा हूँ. ध्यान से देख लो, दिस विल बिकम y प्लस 1, और नीचे आपके पास आ रहा है y प्लस 4 इंटू y प्लस 25. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव. इसको हम लोग क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस इट एज सम कांस्टेंट a ओवर y प्लस 4, सम कांस्टेंट b ओवर y प्लस 25. दैट इज़ व्हाट वी डू, करेक्ट? आई होप यू आर ओके विद द फर्स्ट स्टेप. अब क्या करने जा रहे हैं बेटा, डिनोमिनेटर दोनों साइड का सेम आने जा रहा है, तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर लिख देता हूँ. क्या आ रहा है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे इट इज़ वाई प्लस 1, राइट हैंड साइड पे इट इज़ ए इंटू वाई प्लस 25 एंड बी इंटू वाई प्लस 4. ठीक है, कोफिशियंट कॉम्पेयर करके भी आंसर निकाल सकते हो, वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो. मैं प्रेफर करता हूँ वैल्यू रखना. ठीक है, तो मैं y इज इक्वल टू माइनस 4 रख रहा हूँ दोनों जगह पे. माइनस 4 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास माइनस 3 आ गया, और ये वाली चीज़ कितनी हो गई, माइनस 4 रखा है तो ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई कितनी, 21, और ये वाली चीज़ हो गई 0. तो देखो a की वैल्यू आपने बता दी, इट इज़ माइनस 3 बाई 21, जिसको हम क्या माइनस 1 बाई 7 लिख लें. ठीक है, जब कैंसिल करेंगे आई विल बी लेफ्ट विद माइनस 1 बाई 7. सिमिलरली अब मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू एग्जैक्टली माइनस 25 पुट करने जा रहा हूँ. जब मैं माइनस 25 पुट करने जा रहा हूँ तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया बच्चों, माइनस 24, राइट साइड में ए वाली चीज़ 0 हो गई, और मैंने माइनस 25 पुट किया है तो बी के साथ मेरे पास कितना आया बेटा, दैट इज़ माइनस 21, राइट, माइनस 21. तो बी की वैल्यू देखो आप 24 बाई 21, दोनों नेगेटिव हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, 8 बाई 7. ठीक है, इस तरीके से तुमने जो दो कांस्टेंट हैं उसकी वैल्यू निकाल ली. अब देखो अलजेब्रा वाला पार्ट खत्म होते ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इजी है. नाउ हाउ कैन यू राइट दिस थिंग नाउ, अब देखो लेट अस गेट बैक टू राइट, दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग व्हेन यू डील विद दिस क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. ओके, सो हाउ वुड यू एक्सप्रेस दिस इंटीग्रल, यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस अगेन बैक इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर विदाउट यू, बिकॉज यू हैव नो प्रॉब्लम विद द एक्स स्क्वायर, राइट, यू आर ओके विद दिस फॉर्म ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यू नो, right, we know what is the integration for that, so there's no issue of doing anything else, right, we'll keep it as simple as possible. What is the value of a? A is minus 1 by 7, I'll keep it minus 1 by 7. Integration of dx over y, that is x square plus 4. And what is b bachcho? B is 8 by 7. So iska jo algebra wala part hai, that is more important than the integration wala part. Theek hai, ye kitna ho gaya, x square plus 25, 25 ko tum 5 ka square likh lo, और 4 को भी मैं प्रेफर करूंगा 2 का स्क्वायर लिख लो. ये कौन सा फॉर्म है, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए. सो दैट वे यू शुड गेट द आंसर एज 1 ओवर 14, राइट, 1 बाई 2 करेंगे, टेन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस, यहाँ पे जब करूँगा तो 7 फाइव ज़ा 35, 1 बाई ए वाली चीज़ ये हो जाएगी, एंड टेन इनवर्स एक्स ओवर 5 प्लस सी. इफ इट इज़ ओके quickly type okay in the comment box, please do it fast, you have a lot to discuss. If there is any doubt you can let me know. wonderful. तो अब इतने डिस्कशन के बाद अगर आपने क्लासेस मिस भी की हैं और अगर आपने सारे वीडियोस भी देखे हैं ना, तो आई एम प्रिटी श्योर यू आर विद द क्लास, राइट. मैंने इतना बैकअप में काम करने की कोशिश की है कि अगर किसी बच्चे की कोई क्लास मिस भी हो गई है, अगर वो सिर्फ वीडियोस भी पीछे से फॉलो कर ले जा रहा है, तो यू आर विद द क्लास, बिलीव मी. बट यू हैव, इफ यू हैव फॉलोड द वीडियोज प्रॉपरली, जस्ट द वे यू आर डूइंग इट इन द क्लास, ओके. सो प्लीज मेक श्योर, इन केस अगर कुछ बेसिक्स मिस हो रहे हैं तो प्लीज फॉलो द वीडियोज, इट इज देयर फॉर यू. ओके, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये दो क्वेश्चन थे, आई होप शायद एक्सरसाइज के होंगे.
तो अब ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? ये आपका दिख रहा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है रैशनल। तो यहाँ पे मैं क्या करने की सोचूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने की सोचूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए डिग्री चेक करते हैं, ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे 3 है, मतलब ये ऑलरेडी प्रॉपर है। यहाँ पे भी डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 3 है, मतलब ये भी प्रॉपर है। मतलब यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, अगर इम्प्रॉपर होता है तो पहले लॉन्ग डिवीजन करते हैं, है ना। वो सारी बेसिक बातें हैं जो तुम्हें प्रोसीजर, जो मतलब थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व होनी चाहिए, वो चीज़ें सर्टेनली तुम्हें माइंड में रखनी है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करें, सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अलजेब्रा वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करूंगा मैं पहले। डिनोमिनेटर मेरे पास दे रखा है, दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। मैं पहले सोचूंगा कि फैक्टराइज हो सकता है क्या, क्यूब है तो जनरली क्यूब के लिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ वैल्यूज पुट करके देख लेनी चाहिए, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, इस तरीके से वैल्यू देखनी चाहिए। जैसे अगर मैं वन देखता हूँ तो वन पे कितना आ जा रहा है, वन पे ये वन हो गया, ये वन हो जा रहा है, राइट। वन पे एग्जैक्टली ये वाली चीज़ जीरो आ जा रही है। कभी भी अगर x इज इक्वल टू a पे कोई भी चीज़ जीरो आ जाती है, यानी क्या समझ में आता है, x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ डैट। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वन पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं x माइनस वन को x का एक फैक्टर ले रहा हूँ। यानी ये पूरे एक्सप्रेशन को मैं भी कैसे एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ, एक्स माइनस वन के मल्टीपल में एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ दी। ये सारी चीज़ें तुमने ज़रूर से छोटे क्लास में कर रखी है बेटा, बट हाँ इट इज़ टाइम वेन यू अप्लाई दीज थिंग्स इन इंटीग्रेशन एज वेल, ओके। अब ये सेम इक्वेशन हमें रिक्रिएट करनी है, एक्स क्यूब चाहिए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक्स क्यूब मिल जाएगा। अब क्या आ रहा है, मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट, मुझे वही चाहिए था, माइनस एक्स चाहिए था, तो यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया। यानी कि हमारे को काम हो गया ना, द वर्क इज़ डन। ये देखो, ये तुमने अगर x माइनस वन इसमें कॉमन ले लिया बेटा, तो ये कितना आ गया, x माइनस वन कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया बेटा, दैट इज कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वन भी फर्दर फैक्टराइज हो जाता है, व्हाट इज दैट चिल्ड्रन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो एक्स माइनस वन दो बार ही आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। एक बार बस हमें चीज़ें फैक्टराइज होकर मिल जाए डिनोमिनेटर में, उसके बाद तो वी आर द बादशाह, राइट, वी आर द किंग्स, नो वन कैन स्टॉप अस बाई गोइंग अहेड इन दैट क्वेश्चन। तो आइए फटाफट से देखते हैं, लेट अस राइट द एंटायर एक्सप्रेशन अगेन, पुटिंग मोर स्ट्रेस ऑन द अलजेब्रा पार्ट, बिकॉज द इंटीग्रेशन पार्ट इज वेरी इजी इन दीज क्वेश्चन, ओके। सो आई फोकस ऑन द अलजेब्रा पार्ट, आई राइट द एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म, इट इज 3x प्लस 5, एंड द डिनोमिनेटर आई राइट इट इन द फैक्टराइज फॉर्म, विच इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। एंड आई होप एवरी वन अमंग यू रिमेंबर्स दैट दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आर रिटन लाइक वॉट, एक्स प्लस वन एज इट इज, बी अगर कभी भी स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, एक बार पहले सिंगल वाला टर्म लिखते हैं और दूसरी बार उसका स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, ठीक है। आई होप यू पीपल रिमेंबर दैट, राइट। तो जैसे ही तुमने अब ऐसा कर दिया, अब क्या करना रह गया बेटा, अब सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालनी रह गई, वही पुराना काम यहाँ पे भी काम आएगा। क्या करने जा रहा हूँ मैं, एलसीएम लूंगा तो लेफ्ट साइड आर साइड राइट साइड दोनों तरफ सेम होगा, तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर पे अगेन फोकस कर रहा हूँ कि मेरे पास न्यूमरेटर कितना है। तो देखो मेरे पास a के साथ क्या आ रहा है, a के साथ मेरे पास आ रहा है x माइनस वन का होल स्क्वायर, a के साथ क्या आया बेटा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। b के साथ मेरे पास क्या आ रहा है, b के साथ मेरे पास एक तो x प्लस वन आता हुआ दिखता है और एक x माइनस वन आता हुआ दिखता है, राइट। आई होप आपको ये बेसिक कैल्शियम वगैरह लेने में कोई परेशानी नहीं है, अगर इसमें भी कुछ है तो कोई बात नहीं, वो भी मुझे बता देना, मैं वो भी बता दूंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने इस वैल्यू को रख लिया, अब क्या करना है, ए बी सी निकालना है, वैल्यू कंपेयर करना इस तरह के टास्क में तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो कभी कंपेयर करो ही मत, सीधा वैल्यू पुट करके रख दो, ठीक है। जैसे मैं एक्स इज इक्वल टू वन से शुरू करना चाहूँगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन रखना चाहता हूँ, तो देखो एक्स इक्वल टू वन रखा मैंने, ये कितना आ गया बेटा, ये एट आ गया, ये वाली चीज़ जीरो हो गई, वन रखा है ये वाली चीज़ भी जीरो हो गई, और यहाँ सी इंटू कितना आ गया बच्चों, सी इंटू मेरे पास टू आ गया, ठीक है। तो देखो सी की वैल्यू कितनी आ गई, एट बाई टू, यानी आप क्या कहोगे, दैट सी इज कमिंग आउट टू बी फोर, ठीक है। मैं कॉन्स्टेंट यहाँ पे रखता जा रहा हूँ, आई होप दैट इज ओके चिल्ड्रेन, कैन यू जस्ट रेज हैंड इफ दैट इज फाइन, इफ दैट इज फाइन जस्ट रेज योर हैंड फास्टर, क्योंकि अब हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत डिस्कस किए हैं, तो आई एक्सपेक्ट यू टू बी फास्टर इन दीज थिंग्स, ओके, यू शुड बी फास्टर, राइट। योर स्पीड मस्ट ग्रो बाय प्रैक्टिस एंड डिस्कशन, द स्पीड मस्ट ग्रो, इफ इट इज नॉट ग्रोइंग there is a problem either with your teacher or with you, okay, so please make sure that the speed is growing, okay, moving on, आइए b की value calculate करते हैं, b या फिर c जो भी मिल जाए, right, जैसे अभी यहाँ पे मैंने plus one रखा था तो ये आ गया, अब मैं ऐसा करता हूँ minus one रखता हूँ, कितना रख रहा हूँ, minus one रख रहा हूँ, तो देखो जब मैं minus one रखूँगा तो
तो इधर ये कितना हो गया माइनस थ्री, और ये हो गया मेरे पास टू, ठीक है। यहाँ जब मैं माइनस वन रख रहा हूँ बेटा, तो ये बन गया माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर यानी कि फोर, ये बना मेरे पास फोर ए, और माइनस वन रखा तो ये वाली चीज़ तो हो गई ज़ीरो और ये वाली चीज़ भी हो गई ज़ीरो, तो मज़ा ही आ गया ना। ए की वैल्यू कितनी हो गई, टू अपॉन फोर यानी कि वन बाई टू, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशंस में आप अक्सर देखते हैं दो वैल्यूज़ तो बड़ी आसानी से निकल जाती हैं, बाकी सबको ज़ीरो बना के। तीसरे के लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं करनी पड़ती उसको, फिर तुम कुछ भी ले लो, कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए तुम कुछ भी ले लो। जैसे मैं जनरली ज़ीरो लेना प्रेफर करता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लोगे आंसर वही निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ले रहा हूँ, लेफ्ट साइड मेरा आ गया कितना फाइव, यहाँ जब मैंने ज़ीरो किया तो ये कितना आ गया माइनस वन का स्क्वायर विच इज़ वन इट सेल्फ। तो ए की वैल्यू मैं सिर्फ लिख देता हूँ ए इंटू वन यानी कि हाफ इंटू वन दैट रिमेंस देयर। यहाँ मैंने ज़ीरो रखा है तो बी के साथ मेरे पास ये कितना आ गया बेटा, दिस इज़ प्लस वन इंटू माइनस वन, यानी क्या मैं इसको माइनस भी लिख दूँ, मैं इसको माइनस भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म कितना आ गया प्लस सी, सी कितना था मेरे पास फोर। तो इस तरीके से देखो बहुत आसानी से तुमने बी को भी कैलकुलेट कर लिया, बी को टेक इट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको जब इधर लाओगे तो ये देखो कितना मेरे पास फोर एंड हाफ, और ये फाइव जब इधर आएगा तो क्या होगा माइनस फाइव होगा, तो क्या बचेगा बेटा माइनस हाफ बचेगा। इस तरीके से आपने ए बी सी तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो कहीं से कहीं तक मुश्किल होता ही नहीं है बेटा, राइट। और इंटीग्रेशन वाला पार्ट करके बताऊं, देख लो अब सिर्फ आंसर ही लिखना है, इंटीग्रेशन पार्ट एक्चुअली कुछ बचता नहीं है। एक बार तुमने इसका अलजेब्रा वाला पार्ट फिनिश कर लिया तो इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट कुछ खास नहीं होता। देखिए कितना ईजी, अब आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो द इंटीग्रल, नाउ यू आर इन अ स्टेट टू राइट द इंटीग्रल। सो इट इज़ ए विच इज़ हाफ डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन, एंड देन बी विच इज़ माइनस हाफ डी एक्स ओवर एक्स माइनस वन, एंड देन सी विच इज़ फोर दैट इज़ कमिंग आउट टू बी डी एक्स ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, दैट इज ऑल। आई होप ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल राइटिंग दिस, दैट दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ मुझे दिख रहा है माइनस हाफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, तो मैं उसको लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट करके ऐसा लिख दे रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। मैं इन दोनों को एक साथ मैंने क्लब करके ऐसा लिख दिया, ओके, बिकॉज हाफ दोनों में है और ये लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्म है, इसको मैं लॉग ए बाई बी लिख रहा हूँ, ओके। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफ द फॉर्म, देखो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, देखो ये तुम्हें कुछ ऐसा फॉर्म दिखना चाहिए डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, यानी क्या लिख रहा है ये एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स दिखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स कितना होता है बेटा, इट इज़ एक्स रेज पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, तो एन की जगह माइनस टू रखो, दैट्स ऑल, राइट। कितना हो जाएगा ये बताओ, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस वन इन द डिनोमिनेटर, राइट, एंड दिस थिंग वुड कम हेयर इन द डिनोमिनेटर एक्स माइनस वन। हालांकि तुम चाहो तो ये माइनस साइन इसमें एडजस्ट भी कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। और पार को एडजस्ट कर लिया, ये एडजस्ट कर दिया, और क्या रह गया यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला फोर रह गया, तो इस फोर को तुम यहाँ पे लिख लो, ठीक है। यू शुड राइट दिस फोर हेयर, एनीथिंग एल्स दैट इज लेफ्ट, आई थिंक नो। सो दैट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43। जिसने भी पूछा था अगर समझ में आ गया जस्ट राइट ओके इन द कमेंट बॉक्स, और जिसको भी समझ में आ गया दे शुड राइट ओके इन द कमेंट बॉक्स, अगर नहीं समझ में आया प्लीज राइट आर। समझ में आ गया राइट ओके, नहीं समझ में आया राइट आर, फाइन। आई हैव रिसीव्ड ऑल ओके टिल नाउ, आई हैव रिसीव्ड ऑल ओके टिल नाउ, लास्ट स्टेप नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट द लास्ट स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जिनको समझ में आ गया प्लीज ट्राई द नेक्स्ट वन, बहुत ईजी है, राइट। अभी तुमने जैसे क्वेश्चंस किए उसके बेसिस पे डायरेक्टली हो जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी प्रॉपर है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, यू कैन स्ट्रेट अवे डू इट। प्लीज ट्राई 45, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, यू नो दैट आई डोंट लीव एनी ऑफ द डाउट, ठीक है। इसका लास्ट एक बार रिपीट कर देता हूँ, देख लो बेटा, इसको परेशानी थी देख लीजिए। देखो आई थिंक बेटा ये वाली चीज़ तो क्लियर है ना, ये कितना हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और ये कितना हो गया लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, दोनों में हाफ है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, क्या हो जाता है बेटा लॉग ऑफ ए बाई बी, तो उसको मैंने ऐसे लिखा। और ये जो वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ इसलिए मैंने अलग करके बताई थी, मुझे पता था किसी को परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो ये कितना है वन बाई एक्स स्क्वायर है, वन बाई एक्स स्क्वायर तुम कैसे लिखते हो, इस फॉर्म में लिखते हो ना एक्स की पावर माइनस टू, यहाँ पे क्या अप्लाई करने जा रहे हो तुम, यही तो अप्लाई करने जा रहे हो भाई, एक्स की पावर एन डी एक्स, वॉट इज दैट, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, दैट इज वॉट यू विल बी अप्लाइंग। तो यहाँ पे एन की जगह पे माइनस टू है, तो माइनस टू प्लस वन कितना हो गया माइनस वन, और यहाँ नीचे माइनस टू प्लस वन कितना हो गया माइनस वन, बस यहाँ पे एक्स की जगह पे तुम्हारे पास है क्या एक्स माइनस वन, तो बस वही वाली चीज़ आ गई, ये फोर एज इट इज यहाँ से यहाँ आ गया, इज इट ओके नाउ, फाइन, ठीक है, वंडरफुल। चलो देखो
आगे बढ़ रहे हैं, 45th क्वेश्चन भी तेजी में करते हैं, राइट, फास्ट फास्ट करते हैं, जिसका भी हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, ठीक है। देखो फास्ट फास्ट करते हैं, राइट, थोड़ा स्पीड डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या करना है, मैंने बस वही पुराना काम करना है, अलजेब्रा वाले पार्ट पे फोकस रखना है। एक बार अलजेब्रा वाला पार्ट तुमने कर लिया तो इंटीग्रेशन इज लाइक लल्लू थिंग फॉर हेयर, राइट। इन सब चीज़ों में इंटीग्रेशन क्या है, बिल्कुल ही लल्लू स्टेप है, एकदम कुछ नहीं करना होता। ये क्या हो जाएगा बताओ, इसको तुम, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सीधा क्या करोगे, ए अपॉन एक्स प्लस टू ले लो पहले, तुम एक्स प्लस वन भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। ए बी सी दे आर अल्टीमेटली कॉन्स्टेंट, सो वट एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन। एक स्क्वायर है तो ये दो टर्म में अलग अलग होगा ना, इस तरीके से, समझ रहे हो कि नहीं बेटा, ठीक है। अब क्या यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है बच्चों, वही पुराना काम चलता रहेगा और आपका आंसर सही आता रहेगा ऑलवेज, राइट। नथिंग डिफिकल्ट अबाउट दीज थिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही, सिर्फ ध्यान से बस अगर तुमने क्लासेस अटेंड किए हैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, किसी की कुछ क्लासेस मिस हुए हैं, वीडियो फॉलो किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही, बट हाँ ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है। सी के साथ क्या आने जा रहा है मेरे पास, एक्स प्लस टू। अब क्या करूँ, वही एक्स की वैल्यूज फटाफट रख देता हूँ ना, राइट, एक्स की वैल्यूज रखेंगे एंड विल गेट द आंसर्स, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश, सैम का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैंने क्या करना है, अब सिंपली x की वैल्यू रख देनी है, आओ रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज इक्वल टू क्या रखना शुरू करूँ, एक बार माइनस टू रखूंगा और एक बार माइनस वन रखूंगा, पहले तो माइनस टू माइनस वन रखूंगा और दो वेरिएबल निकालूंगा, ठीक है ना। तो आओ चलो एक बार माइनस टू रखते हैं, जब माइनस टू रखा तो ये हो गया फोर, ये हो गया माइनस टू, ये हो गया प्लस वन, बिल्कुल बेसिक तरीके से करो, कोई हाई फाई मेथड यूज करने की जरूरत ही नहीं है, उतने ही इफेक्टिव तरीके से हो जाएगा। तुमने क्या रखा है अभी, x इज इक्वल टू माइनस टू रखा है, माइनस टू में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, माइनस टू रखा, देखो यहाँ पे हमने गलत कर दिया ना, यहाँ पे x प्लस वन का होल स्क्वायर लेना चाहिए था ना, राइट। यहाँ देखो x प्लस टू ऑलरेडी है तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर लूंगा ना, ठीक है, बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये x प्लस टू तीनों में आ जाए। तो यहाँ पे चेक पॉइंट भी है जहाँ तुम अगर कुछ इस तरह के सिली मिस्टेक्स करते हो देन यू कैन चेक, अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, x इक्वल टू माइनस टू पे सब कुछ कैसे जीरो हो जाएगा, किसी भी एजम्पशन पे, किसी भी क्रिटिकल वैल्यू पे ऑल द वेरिएबल्स कैन नॉट गो जीरो, ओके, रेदर ऑल द एबीसी, ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एबीसी कैन नॉट गो जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे चेक पॉइंट मिला, अच्छा यहाँ पे कुछ हमने गलती की, तो मैंने चेक किया तो फटाक से पकड़ में आ गया, क्या है ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, बी के साथ क्या है एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन, और सी के साथ एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये चीज इजिली पकड़ में भी आ जाती है। तो चलो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज रख रहा हूँ, मैंने क्या रखा था, मैंने माइनस टू रखा था तो बी वाली चीज हो गई जीरो, और ए के साथ माइनस टू रखा तो माइनस टू प्लस वन हो गया, माइनस वन का स्क्वायर कितना हो गया वन, ये वाली चीज हो गई जीरो और ये भी हो गई जीरो। तो बड़े आसानी से फिर से आपने क्या किया, आपने ए की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी थ्री, ठीक है। आप लोग बड़े स्मार्ट हो, फटाफट से वैल्यू निकाल लेते हो, ओके। सो मूविंग ऑन, अब क्या पुट करें, माइनस वन पुट करते हैं, आइए माइनस वन पुट करते हैं, ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज वन, दैट इज माइनस वन एंड दिस इज वन। राइट साइड पे देखो बेटा, माइनस वन पुट किया तो ये अब हो गया जीरो, ये भी हो गया तुम्हारा जीरो, और माइनस वन पे जब तुमने ये रखा तो ये कितना हो गया सी। तो देखो बेटा तुम्हारे पास सी की वैल्यू बिना कुछ खास एफर्ट के आ गई है ना, मतलब अगर इस तरीके से तीन तीन भी आ जाए तो भी कोई टेंशन, चार भी आए तो भी कोई टेंशन नहीं, ये वैल्यू पुट करने वाला मेथड सबसे फास्ट है एंड एक्सेप्टेबल इन एवरी बोर्ड एज वेल, ठीक है। तो इसको तुम हर जगह यूज करो, मैं यही कहता हूँ, हर दो होते हैं अगर दो दो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी तो वहाँ पे कंपेयर करने वाला भी फास्ट होता है, बट दो से अधिक होते हैं तो दिस इज हाईली एडवाइजेबल, डोंट गो फॉर कंपैरिजन, अननेसेसरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बना के अपना टाइम खराब करोगे, आंसर तो आ जाएगा बट टाइम खराब करोगे। अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं तो x इक्वल टू जीरो ही रखना प्रेफर करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो रखो आंसर सेम आएगा। मैंने x इक्वल टू जीरो रखा, लेफ्ट साइड पे मेरे पास वन आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया a इंटू वन, ए की वैल्यू थ्री है, मैं पुट करूंगा, यहाँ पे जीरो रखा हुआ है तो b के साथ कितना आ गया, देखो ये आ गया टू और ये हो गया वन, यानी कि टू इंटू वन इट रिमेन्स टू बी। सी के साथ जब जीरो रखा तो ये कितना आ गया टू सी, सी इज वन, तो ये कितना आ गया बेटा, इट इज कमिंग आउट टू बी टू, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास फाइव, राइट, फाइव को जब लेफ्ट साइड पे लेके गए तो ये हो गया माइनस फोर इज इक्वल टू टू बी, खत्म हो गया ना भाई, कितना आ गया बताओ, बी इज इक्वल टू माइनस टू। अब आपको भी पता है कि इसके इंटीग्रेशन में तो कुछ होता नहीं है, जो ये चार पाँच छः नंबर का जो क्वेश्चन होता है ये फ्री फंड के नंबर होते हैं जो हम में से किसी को भी आ जाने चाहिए, राइट। अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, बस थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्रेस कर देना है, बिकॉज वेटेज है तो एक्सप्रेशन मैटर करता है, ठीक है। तो आप लिखोगे आई इज इक्वल टू ए टाइम्स विच इज थ्री, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, डी एक्स ओवर एक्स प्लस टू,
then b times what is that, it is minus 2, and what is the denominator of b, it is x plus 1, and then c times that is 1. So let's not write 1, right? 1 is vastly understood. So that is x plus 1 ka whole square. That is all. Any day, all my students are capable of dealing with such Lullu expressions, right? All these are easy for all of you, provided you have done it with me, right? Or with anyone else also, that is fine. So, if you have put your value, then it will be negative. How much will it come? 1 over x plus 1 plus c. हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे जरूर से हाईलाइट करना चाहूंगा बच्चों, जब कभी भी जैसे ये एक्सप्रेशन, ठीक है ये आंसर आ गया तुम्हारा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सपोज करो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की जगह पे अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स होता, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 1 माइनस एक्स होता है, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई ए होता है, राइट? तुम्हें ध्यान होगा, मैंने ये बात तुम्हें बताई भी थी, यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने बच्चों को सिली मिस्टेक करते हुए देखा है, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि सिली मिस्टेक वाले पॉइंट्स आपको ज़रूर से बताऊं, और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अलग से स्टार लगा करके तुम अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है? हालांकि तुम्हें पता होगा, अगर तुमने ध्यान दिया है तुम्हें ये सब कुछ पता है, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर ये कैपिटल एफ एक्स है, मैं प्लस सी चलो लिख देता हूँ, राइट? तो अगर मेरे पास कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, तो ये चीज़ हमेशा क्या होती है बेटा, f of ax plus b divided by a. तो ये divided by a मत भूलना. अब जब ये 1 plus x था तो a की value 1 थी, divided by 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, but जब ये 1 minus x हो गया तो divided by a से फर्क पड़ता है, because that will change the sign of the expression. Okay? That is 1 minus x. So please take care of that. Generally this is missed even by good students, right? These silly mistakes are seen in the answer sheets. So please make sure you don't commit such mistakes when you are solving it in your exam. Shall I proceed ahead? Can you show me your hands up quickly? Can you be a bit faster? Wonderful. Let's proceed. Thank you. This question was done, I think, Anshuman ne kiya tha shayad. Bilkul sahi kiya tha. Right, agar Anshuman, I don't remember. Shayad Anshuman nahi kiya tha. बड़े अच्छे से किया था उसने, नहीं डेबोलिना ने किया था, राइट? मैंने उसमें लिखा था गुड टू गो. हाँ, तो इसमें बहुत इजीली उन्होंने बाई पार्ट्स लगाया था, किसने पूछा था ये मुझे ध्यान नहीं है, बट अंशुमन ने, डेबोलिना ने किया था इतना मुझे ध्यान है, राइट? तो ये लॉग एक्स ओवर, इसमें इन्होंने बाई पार्ट्स लगाया था, और बाई पार्ट्स से बिल्कुल सही मेथड था, और जिसने भी पूछा था अगर उसे समझ में आ गया तो प्लीज़ अगर कमेंट करके बता दो, जस्ट कमेंट की यस इट इज़ अंडरस्टूड, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा. हाँ, तो समझ में आ गया था ना अक्षय? और शैल आई सॉल्व इट, जल्दी बता दो, यस नो बोलो, मैं सॉल्व कर दूंगा या फिर आगे बढ़ जाऊंगा. बाई पार्ट्स का क्वेश्चन नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्वेश्चन किसी का भी हो, क्वेश्चन किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें तो सिर्फ ये देखना है कि क्या करने से हो जाएगा. अब देखो, तुम्हारे पास दो अलग अलग फंक्शन है, ऊपर रैशनल फंक्शन तो है नहीं कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्चर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं. देखो, डिस्कशन करने से हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट ऐड होती हैं, है ना? अगर आपसे हो भी गया है तो भी आपको सोचना चाहिए, अच्छा ठीक है, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस, कैसे अप्रोच करना है, ये सब चीज़ें तो माइंड में आनी चाहिए, ठीक है? तो अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर मेरे पास कभी भी कुछ भी ऐसा आ जाता है तो मैं ये सोचता हूँ, अच्छा ठीक है यार, इसमें तो सब्सटीट्यूशन एक बार को सोच सकते हैं, यहाँ भाई हम लॉग एक्स को कुछ लें, है ना? बट वो भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अभी लॉग एक्स लेंगे तो यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, ई की पावर एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना? ये सब बातें तो आपको पता ही है कि log of x को अगर मैं t ले लेता हूँ तो मेरे पास x क्या हो जाएगा, e raised to the power t हो जाएगा. ये सब चीज़ें तो आपने कई बार कर रखी हैं, तो मैं सब्सटीट्यूशन भी नहीं सोच रहा. हाँ, दो फंक्शंस हैं, मैं इसमें क्या बाई पार्ट्स लगाने की सोच सकता हूँ, ठीक है? और बाई पार्ट्स पे अब बात आती है किसको फर्स्ट फंक्शन लें, किसको सेकेंड फंक्शन लें, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है. जो भी चीज़ ईजिली इंटीग्रेबल है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, सेकेंड फंक्शन यानी कि v, और जो भी चीज़ ईजिली इंटीग्रेबल नहीं है उसको क्या ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी कि u. तो log x को मैं u लेना प्रेफर करूँगा, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, फटाफट से तुमने लगाया और काम हो गया, हो जाएगा ना? यस, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक्स टू डेबोलिना, राइट? दैट वाज अ प्राइवेट मैसेज फ्रॉम अक्षित एंड ही हैज मेंशन डेबोलिना, थैंक यू. तो मैं भाई, थैंक यू तो आगे पास ऑन हो जाना चाहिए, राइट? सो दैट्स अ थैंक यू फ्रॉम अक्षित टू डेबोलिना, वंडरफुल. चलो भाई, अच्छी बात है, इस तरीके से तुम लोग जब डिस्कस करते हो ना, इट इज रियली गुड. एंड मैं बार बार कहता हूँ, एक दूसरे के डाउट्स किया करो, डाउट्स आर जनरली फिल्टर्ड गुड क्वेश्चंस, ठीक है? मतलब अगर तुम्हारे नज़र से वो क्वेश्चंस अगर पहले तुम कर चुके हो, एक नज़र ही तो मारना है,
सो दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि तुम ग्रुप पे क्वेश्चंस फ्लड करो, फ्लड द ग्रुप यू नो विद क्वेश्चंस. बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस करो आपस में, राइट. इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होती है, जो पढ़ जाते हैं वो तो मैं हूँ ही होना, कोई परेशानी ही नहीं है, ठीक है. सो दैट वे ही हैज अंडरस्टूड, सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That's a very good practice. I really love when you participate in those kind of discussions. Again, देखो ये बिल्कुल similar type का question है, सिर्फ hint दे रहा हूँ, right? कोई इसमें problem नहीं आएगी बेटा. आपको ये समझना है कि ये तुम्हारा कौन सा form है, ये तुम्हारे पास अब ये बन गया irrational. क्यों? क्योंकि ऊपर भी y plus one है. और मैंने क्या किया, ये बात तो तुम्हें समझ में आई चुकी होगी, मैंने x square को y ले लिया, ठीक है. x square को मैंने क्या ले लिया बेटा, मैंने y ले लिया. तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले तो मुझे ये समझना है भाई, इंटीग्रेशन लिखना गलत हो जाएगा, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन पे वर्क कर रहा हूँ, है ना. इंटीग्रेशन लिखना इससे गलत हो जाएगा बिकॉज फिर वहाँ dx भी है ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी कर सकते हैं, राइट. तो अभी सिर्फ मैं इसका अलजेब्रा वाला पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं ये देखा कि भाई ये तो मेरे पास ये प्रॉपर तो है नहीं, ऊपर भी डिग्री टू है, नीचे भी डिग्री टू है, तो क्या करूँगा, लॉन्ग डिवीजन करूँगा. डिनोमिनेटर को मैं सीधा मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो ये दिख जाता है मुझे वाई स्क्वायर माइनस टू वाई और माइनस 15, ठीक है. आई होप आपको भी दिख जा रहा है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पे ऐसा दिख जा रहा है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द डिवाइजर, एंड व्हाट इज द कोशेंट, व्हाट इज द डिविडेंड जो हमें डिवाइड करना है, दैट इज कमिंग आउट टू बी वाई स्क्वायर. ये वाई है यार, मेरी राइटिंग बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है बच्चों के लिए, है ना. ये अब ठीक लग रहा होगा तुम्हें, ये गोला लगा दिया तो कभी फोर की तरह भी दिखता है भाई, तो ये तुम ऐसे गोला लगा लो, ओके, यू पुट इट लाइक दिस. तो ये क्या हो गया, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, ठीक है बच्चों, 5y प्लस 4. बस कोशेंट पे वर्क करो और जो भी रिमाइंडर है उसको लिख डालो, खत्म, वन हो गया. बड़े वाले पार पे हमें वर्क करना होता है. ये हमारे पास आ गया माइनस 15, साइन चेंज कीजिए बहुत तेज़ी के साथ. सो दिस इज़ गॉन एंड दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 7y, एंड इसका साइन चेंज होगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 19. तो ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको कैसा लिखूंगा बताओ, मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस सिर्फ अलजेब्रा वाला पार्ट, आई एम वर्किंग ओनली ऑन द अलजेब्रा वाला पार्ट, राइट. और जो भी डिनोमिनेटर था वो तो ऐसे ही रहेगा, चाहे मैं इसको फैक्टराइज करूँ या ना करूँ, राइट. तो मैं फिर से इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना प्रेफर करूँगा. अब क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे वर्क करना है, बिकॉज आपको पता है इसको इंटीग्रेट करना इज लाइक चाइल्ड्स प्ले, राइट. सिर्फ इस पे वर्क करना है, वही काम करना है बेटा जो तुम इतनी देर से कर रहे हो, कुछ भी नया नहीं है. सैम समझ में आ रहा है बेटा आपको, राइट. तो इस तरीके से अब आप क्या करने जा रहे हो, ए टाइम्स वाई प्लस 3 एंड बी टाइम्स वाई माइनस 5, दैट्स ऑल. एंड एट दी एंड आप क्या करोगे, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दोगे. क्या इस तरह के एक्सप्रेशन आपको मैंने बताए हैं कि नहीं बताए हैं बेटा, राइट. एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये क्या होने जा रहा है बच्चों, बी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5, कुछ इस तरह का फॉर्म आ रहा है ना. इसकी वैल्यू देखो तुम सबको पता है क्या होती है, ए बाई रूट 3. मैंने ए और बी इसमें कैलकुलेट नहीं किया है, आई स्ट्रांगली बिलीव यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है. मैं सिर्फ एक फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में, आनंद फानन में, ओके. और ये कितना हो जाता है, ये कौन सा फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म, यानी 1/2a, यानी कि बी ओवर 2a. 2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 तो 2 रहेगा, a कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा. और ये कितना होता है बेटा, दैट इज लॉग ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a, दैट इज ऑल. इफ इट इज ओके जस्ट टाइप fab. बहुत देर से तुम लोग खुद से लिख दिया करो ना यार, लिखते नहीं हो तुम लोग fab, जल्दी से लिखो fab फिर आगे बढ़ो. और अगर नहीं समझ में आया तो r लिख देना, जबरदस्ती fab भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके. अगर समझ में आ गया तो fab लिखो, नहीं समझ में आया r लिखो, आई विल रिपीट इट, नो इशूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ वंडरफुली, थैंक यू थैंक यू. कभी कभी अच्छा लगता है, राइट. एवरी वन लव्स एप्रिसिएशन, राइट. सो यू शुड अप्रिशिएट वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड. यू शुड अप्रिशिएट योर मॉम, यू शुड अप्रिशिएट योर डैड, योर ब्रदर, योर सिस्टर. वेन एवर यू गेट अ मौका यू शुड अप्रिशिएट, राइट. इट्स गुड. चलो लेट्स मूव ऑन. सो दिस वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन मैं इसमें भी सिर्फ हिंट देना प्रेफर करूंगा बिकॉज बहुत ईजी क्वेश्चन है. अब तुम लोगों के लिए इतनी डिसीजन के बाद क्या करोगे, इसमें साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दोगे. जैसे ही तुम sin x इज इक्वल टू पुट t पुट करोगे बेटा, हमारे पास dt बाई dx कितना आ जाएगा, cos x हो जाएगा. और फिर cos x इंटू dx की जगह पे तुम क्या रख दोगे t. मतलब ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ dt cos x, dx की जगह पे dt आ जाएगा.
and the denominator will be 1 minus t into 1 plus t square, right? इसको कैसे ब्रेक करने जा रहे हो, इसके अलजेब्रा वाले पार्ट पे फोकस करना, कैसे फोकस करोगे? देखो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बता देता हूँ टू मेक श्योर दैट नन ऑफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, राइट? इसको आप इस तरीके से लिखेंगे LHS, RHS क्या लिखेंगे? A ओवर 1 माइनस t. अब देखो यहाँ पे माइनस वाला साइन है तो ध्यान रखना यहाँ पे जो भी इंटीग्रल आएगा उसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज A की वैल्यू माइनस 1 है. ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है बच्चों. 1 प्लस टी स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी एंड देन यू नो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दैट. हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हारे पास. ए और माइनस साइन लगा दूंगा, लॉग ऑफ 1 माइनस टी, टी के जगह पे मैं आंसर लिख देता हूँ 1 माइनस साइन एक्स. सिर्फ अलजेब्रा वाला पार्ट अब मैं इतने क्वेश्चन कर चुका हूँ कि अब मैं वो वाला पार्ट नहीं टच कर रहा, ठीक है? ये 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है तो ये भी कोई टेंशन नहीं है तुम्हारे लिए, राइट? बी बाई ए होता है, ए की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ t, कितना था sin x, तो tan inverse of sin x, ठीक है बच्चों? a और b आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन आपको नहीं है, फाइन? सो दैट्स ओके, राइट? आई होप आपको चीजें इजीली समझ में आ रही हैं. डन, ओके, आई जस्ट रेड दैट, थैंक यू. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है और ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं, ठीक है? वी हैव डन सच क्वेश्चंस. देखो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंप्लीट मेथड के साथ करूंगा, ठीक है? ये लेंथी होते हैं, जनरली इसकी वेटेज बोर्ड्स में ज्यादा होती है, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरह के एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं. किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. और कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा दो चीजें माइंड में रहनी चाहिए, ये वाली बात भी मैंने बता रखी, बट फिर भी आई डोंट माइंड, मैं एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ. क्या बताएं कि नीचे जो है हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है और ऊपर क्या एक्सप्रेशन है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट है. जैसे अगर मेरे पास ऊपर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, ऊपर जो है यही दोनों में से कोई एक फॉर्म आएगा, या तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो अगर मेरे पास न्यूमरेटर में ये एक्सप्रेशन आया है तो डिनोमिनेटर में इस एक्सप्रेशन को पहुँचने का सिर्फ एक तरीका है कि हम लोग नीचे क्या क्या क्रिएट करें, एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्रिएट करें, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करें. और अगर मेरे पास न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, 1 प्लस 1 बाई एक्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इन बातों को मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, बट आई डोंट माइंड डिस्कसिंग इट अगेन एज दे आर सर्टेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो लेट्स सी, आइए देखिए मैं कम्प्लीटली इसको डिस्कस कर रहा हूँ. अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी होता है बट मुश्किल नहीं होता, ठीक है? दे आर लेंदी बट दे आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, दे आर डूएबल एंड दे हैव हाई वेटेज, दे आर हाई वेटेज क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम. सो लेट्स सी, ऊपर नीचे सबसे पहले क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा. ऊपर मेरे पास क्या क्रिएट हो गया, ऊपर आ गया मेरे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर और ये बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर. डी एक्स तो एज इट इज रहा, राइट? हमने सिर्फ अभी ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया. अब किसी भी तरीके से हमें मालूम है न्यूमरेटर में या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए. तो इस तरह की कंडीशन में क्या करना चाहिए तुम्हें, तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो. यानी तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया, ठीक है? अब देखो यहीं पे मैं थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज करने के लिए, ये 1 बाई 2 बाहर है आपके पास, ये 2 बाई एक्स स्क्वायर को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 2 बाई एक्स स्क्वायर को मैं लिखना चाह रहा हूँ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? और सेकेंड टर्म में मैं, बिकॉज 1 मैंने अपने मन से ऐड किया तो ऐसे तो कुछ चलेगा नहीं, मैथमेटिक्स में तो ऐसे किसी का भी राज नहीं चलता ना, राइट? इट हैज़ टू बी करेक्ट, राइट? नथिंग, दादागिरी किसी की भी नहीं चलती इधर. अगर कोई चीज़ सही है तो सही है, गलत है तो गलत है. एक्स स्क्वायर तुमने अगर 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास 2 था तो 2 रहना चाहिए, राइट? यू कैन नॉट चेंज द एक्सप्रेशन, इट्स एज सिंपल एज दैट. तो देखो तुमने इस इक्वेशन को ब्रेक कर लिया, राइट? आई होप द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर एंड दैट इज द डिसाइडिंग स्टेप. आई वुड से एट दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इफ यू हैव अंडरस्टूड कैन यू प्लीज शो मी योर हैंड्स अप. दिस स्टेप वाज इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इफ इट इज क्लियर जस्ट रेज योर हैंड. And if not, don't hesitate in asking again. Okay? And the good side is that I'm recording it, so it will be available to you. Okay? Even after the class. Okay, repeat. I'll repeat. देखो भाई, देखो सबसे पहले तो तुम्हारे mind में ये होना चाहिए, कभी भी अगर इस तरह का expression तुम्हें दिख जाए तो तुम्हारे mind में clearly ये आना चाहिए कि भाई इनमें से कोई एक चीज़ है, या तो ये वाली है या फिर ये वाली है, या फिर सकता दोनों ही हो, जैसे इस केस में दोनों ही है. तो ये इसमें स्टेप वन क्या है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो. तुमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये क्या बन गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर बन गया भाई.
ये कितना आ गया भाई, ये एक्स स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया, वन बाई एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये वन बाय एक्स स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना हमें, तो या तो वन प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए या फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो क्या करो, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, जब टू से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया टू बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास वन बाई टू बाहर कॉमन आ गया। टू बाई एक्स स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा, ये जो मेरे पास टू बाई एक्स स्क्वायर है इसको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने लिखा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। प्लस वन क्यों किया, बिकॉज ये मिलेगा तभी तो काम बनेगा यार, राइट। और फिर क्योंकि प्लस वन किया तो ऐसे तो चलेगा नहीं भाई, भाई वन किया प्लस किया तो सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा ना, और ये टू बाई एक्स स्क्वायर था तो माइनस का माइनस ले लिया, तो यही बात बन गई। तो ये जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, राइट। दैट इज दी फर्स्ट स्टेप, आई होप इट इज क्लियर, राइट। मूविंग ऑन, आइए इससे आगे बढ़ते हैं, इसको अलग अलग से लेके चलेंगे। हाफ तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट है, उसको तुम हमेशा साथ में बनाए रखना, राइट। जनरली कई बार ऐसा देखते हैं बच्चे फिर मिस कर देते हैं, तो वो ठीक नहीं होता, बाहर ब्रैकेट के बाहर लेकर के रखो। ये तुम्हारे पास कितना आ गया, देखो इस एक्सप्रेशन को तुम ऐसे लिख सकते हो अब, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे तो कोई टेंशन ही नहीं है, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, साथ में dx, और यहाँ बीच में तुम्हारे पास माइनस साइन है, ये कितना है बच्चों, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे तो जो भी है वो है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। डिनोमिनेटर वी कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ मॉडिफिकेशन वहाँ तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज़ हाउ यू हैव रिटन दिस, आई होप इट्स ओके टिल दिस पॉइंट, राइट। यहाँ तक ये सारी बातें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो, जो भी चीज़ न्यूमरेटर में है वहीं से तुम्हें डिनोमिनेटर सोचना होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ हमने अभी अभी सीखा कि हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, x माइनस वन बाई एक्स कुछ क्रिएट करना पड़ेगा इसका, और यहाँ वन माइनस है तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, x प्लस वन बाई एक्स क्रिएट करना पड़ेगा कुछ तो ऐसा, ताकि वही सेम चीज़ रिक्रिएट होनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी मतलब माइनस टू अलग से मिल रहा है, बिकॉज ए बी से क्या होगा, ए एक्स और वन बाई एक्स तो कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस टू बचेगा, मतलब अगर मैं प्लस टू कर दूँ तो दे आर एग्जैक्टली द सेम। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं देखूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू आ रहा है तो माइनस टू कर दूँ तो बी फिर से सेम हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये सब थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मतलब मुश्किल नहीं है मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी है, टाइम टेकिंग है, और इसलिए ज़्यादा वेटेज होती है, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम, मैं थोड़ा सा यहाँ स्टेप्स खा रहा हूँ, बट आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ओके। अब क्या करने वाला हूँ, मैं इसे u लेने जा रहा हूँ, और इसको क्या लेने जा रहा हूँ, v लेने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हाफ तो एज इट इज़ रहेगा, राइट। ये वाली चीज़ किससे रिप्लेस हो जाएगी, डी यू से रिप्लेस हो जाएगी, राइट। वैन यू डिफ्रेंशिएट दिस यू विल गेट दिस एंड डी एक्स, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा, और नीचे क्या बन गया तुम्हारे पास, टी स्क्वायर प्लस टू, सॉरी यू स्क्वायर प्लस टू, दैट इज़ यू स्क्वायर प्लस टू। और दूसरा एक्सप्रेशन जो है तुम्हारे पास माइनस साइन के साथ, ये क्या बन गया बेटा, इसको आपने वी लिया है ना प्रॉपरली, आई होप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ तो मैं बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल लिख के नहीं कर रहा हूँ, दो पेज हो जाएंगे, दो स्क्रीन हो जाएगी, तो मैं यहीं पर डायरेक्टली तुम्हें बताता जा रहा हूँ, ओके। तो ये कितना होने जा रहा है, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी वी स्क्वायर माइनस टू। अब ऐसे एक्सप्रेशन तो तुमने कई बार कर रखे हैं ना बेटा, ये तो स्पेशल इंटीग्रल्स वाला फॉर्म है, इसका आंसर निकालने में मुझे तो नहीं लगता कोई परेशानी आपको आती है। आइए फिर भी मैं लिख देता हूँ आंसर, आप मैच कीजिए, अगर आपका भी इतना ही आ रहा है, राइट, इक्वल टू लिखना चाहिए। तो हाफ एज इट इज़ मेरे पास बाहर है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है, ये कितना होता है, वन बाई ए, दैट इज़ वन बाई रूट टू टैन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स हमारे पास यहाँ पे यू है बाई ए, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है, ये कितना था, वन ओवर ट्वाइस ऑफ ए, वन ओवर ट्वाइस ऑफ ए लॉग ऑफ वी माइनस रूट टू ओवर वी प्लस रूट टू, दैट इज ऑल, बट यू शुड सब्सटीट्यूट द ओरिजिनल आंसर इन द वे इट वॉज गिवन, यू एंड वी दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो यू कैनॉट लीव इट हियर, यू लूज सम मार्क्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो यू और वी के जगह पे आप फिर से फाइनली वही चीज रख दीजिए, यू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स, देखो ये वन बाई टू भी तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, या वन बाई टू रूट टू बाहर कॉमन ले लो, मर्जी है तुम्हारी, बिकॉज रूट टू यहाँ भी है, ये रूट टू यहाँ भी है, तो वन बाई टू रूट टू चाहो तो कॉमन ले लो, दैट इज़ योर चॉइस। सो द फाइनल आंसर मस्ट लुक लाइक दिस, यू के जगह पे मैंने ये रखा, जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, और नीचे मेरे पास रूट टू एक्स रह जाएगा। बच्चों किसी भी स्टेप में परेशानी हो पूछो भाई, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर मैंने रूट टू बाहर ले लिया तो यहाँ क्या रह गया, वन बाई टू रह गया,
और ये कितना आ गया बच्चों, मॉडुलस रखूंगा ना, है ना, आई कीप द मॉडुलस, कभी लॉग है तो मॉडुलस रखूंगा मैं, ठीक है। ऊपर मैंने मिस कर दिया था बट होना चाहिए, इट शुड बी देयर। वी की जगह पे क्या आ गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये क्या होने जा रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर और प्लस वन, और ये रूट टू एक्स, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट टू एक्स, ठीक है ना। थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है इधर, और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट टू एक्स, राइट। ऊपर नीचे वाला ये जो तुम्हारे एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी, दैट इज ऑल। इफ इट इज ओके जस्ट टाइप ओके फास्टर, लग रहा है आज डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग कुछ खास नहीं कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ है भी नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ है भी नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, ठीक है। ओवर पावर्ड, अच्छा थैंक यू, राइट, चलो बड़ी अच्छी बात है। सो सी चिल्ड्रेन, इट्स ऑल लल्लू क्वेश्चन, यस इट इज राइट, एवरीथिंग इज अ लल्लू क्वेश्चन व्हेन यू हैव डन इट प्रॉपरली, एंड एवरीथिंग बिकम्स टफ व्हेन यू हैवंट डन इट प्रॉपरली, इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई भी चीज़ जो तुमने ठीक से की है वो आसान हो जाती है, ना करो तो यार मुश्किल हो जाती है ना।